वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको बुद्धाष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बुद्धाष्टमी व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। बुधवार के दिन अष्टमी तिथि आए तो उस दिन को बुद्धाष्टमी व्रत पड़ता है। इस दिन बुद्ध देव, सूर्य देव और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जिनका बुद्ध ग्रह कमजोर हो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम बुद्धाष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। विदेह की नगरी मिथिला में एक राजा अपनी पत्नी उर्मिला और एक पुत्र व एक पुत्री के साथ रहता था। पड़ोसी राजा मिथिला के राजा से दुश्मनी रखता था। राजा का पड़ोसी हमेशा उस राज्य को हथियाना चाहता था। एक बार पड़ोसी राजा ने उस देश पर आक्रमण करके मिथिला के राजा को मार दिया और उस राज्य को हथिया लिया। तब उस राजा की पत्नी उर्मिला अपने एक पुत्र व पुत्री को लेकर जान बचाकर भाग गई और एक अन्य राज्य में एक ब्राह्मण के घर में उनका गृह कार्य करके अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। उर्मिला रानी उस ब्राह्मण के घर में आटा पीसने का काम करती थी और वह कुछ आटा चुरा कर ले जाती थी, जिससे वह अपने बच्चों को पाल पोस रही थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब उसके बच्चे बड़े हुए तो उर्मिला रानी ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, विदेह की नगरी मिथिला तुम्हारे पिता का राज्य था। पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिता को मारकर राज्य हथिया लिया। पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने पिता का राज्य वापस लेना चाहिए। पुत्र, मेरा भरोसा नहीं है, मैं इन दिनों अपने आप को कमजोर महसूस कर रही हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तो तुम्हें अपनी बहन श्यामला का भी ध्यान रखना है और जब यह विवाह लायक हो जाए तो इसका धूमधाम से विवाह की जिम्मेदारी भी तुम्हें ही उठानी है। जब यह विवाह लायक हो जाए तो तुम्हें इसका विवाह भी करना है। ऐसा कहकर कुछ दिनों बाद उर्मिला चल बसी। उर्मिला का पुत्र समझदार, बलवान व ताकतवर था। उसने अपने पिता के सैनिकों और मंत्रियों को इकट्ठा किया और राज्य का शासन पुनः प्राप्त कर लिया और वह अपनी बहन के साथ महल में रहने लगा। समय बीतने पर जब उसकी बहन विवाह लायक हुई तो उसके भाई ने उसके लिए घर वर तलाशना शुरू कर दिया। श्यामला बड़ी ही रूपवान और सौंदर्य से युक्त थी। उसके सौंदर्य की चर्चा सब जगह थी। तब एक बार अवंती देश के राजा धर्मराज ने जब श्यामला के रूप की चर्चा सुनी तो उन्होंने श्यामला से विवाह कर लिया। एक दिन राजा धर्मराज ने अपनी पत्नी श्यामला को घर की जिम्मेदारी सौंपी और घर की चाबियां सौंपी और कहा कि हे प्रिय, तुम घर की चाबियां अपने पास रखो और घर की जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, घर में 7 कमरों के ताले लगे हुए हैं, उनको कभी खोलकर मत देखना। राजकुमारी श्यामला ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर एक दिन राजा धर्मराज शिकार खेलने के लिए गए हुए थे।
श्यामला ने मन ही मन सोचा कि राजा जी घर पर नहीं हैं। कमरों को खोलकर देखना चाहिए कि उनमें ऐसा क्या है जो राजा जी कमरों को खोलने के लिए मना करते हैं। उसकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। तब श्यामला ने एक कमरे का ताला खोलकर देखा तो उसमें उसकी माँ उर्मिला एक बहुत बड़े गरम तेल के कढ़ा में पड़ी छटपटा रही थी और यमदूत उसकी माँ को गरम तेल डालकर जला रहे थे। वे यमदूत बड़े ही भयंकर दिखाई दे रहे थे। श्यामला यह सब देखकर घबरा गई और डर गई। उसने उसी समय उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया। फिर उसने दूसरे कमरे को खोलकर देखा तो उसमें यमदूत उसकी माँ को आरे से चीर रहे थे। उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर उसने तीसरा कमरा खोलकर देखा तो यमदूतों ने उसकी माँ को फांसी पर उल्टा लटका रखा था और कोड़े बरसा रहे थे। उसकी माँ बुरी तरह से चीख रही थी। श्यामला से ये देखा नहीं गया। उसने झट से कमरा बंद करके ताला लगा दिया। फिर उसने चौथा कमरा खोल कर देखा। यमदूत उसकी माँ के पूरे शरीर पर लोहे की बड़ी बड़ी कीलें ठोक रहे थे। पांचवें कक्ष में श्वान उसकी माँ को नोच नोच कर भक्षण कर रहे थे। छठे कमरे में देखा तो उसकी माँ एक अंधे कुएं में पड़ी थी जिसमें सांप बिच्छू कंछले कीड़े उसकी माँ को खा रहे थे। सातवें कक्ष को खोल कर देखा तो उसकी माँ वेतरणी नदी में पड़ी छटपटा रही थी जिसमें मगरमच्छ मछलियाँ और जहरीले सर्प उसकी माँ को काट काट कर खा रहे थे। श्यामला बुरी तरह से डर गई। उस रात श्यामला ने भोजन नहीं किया। वो मन ही मन सोचती रही कि मेरी माँ ने ऐसे कौन से बुरे कर्म कर दिए जिसकी ऐसी सजा मिल रही है। दूसरे दिन जब राजा शिकार खेलकर महल में आए तो श्यामला ने अपने पति से कहा कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके मना करने के बाद भी कौतूहलवश मैंने सातों कमरों के ताले खोल कर देख लिया। हे स्वामी, मेरी माँ की ऐसी दुर्गति क्यों हो रही है? हे देव, कृपया मेरी माँ का आप उद्धार कीजिए। तब राजा धर्मराज ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी माँ ब्राह्मण के घर आटा पीसने का काम करती थी। वह वहाँ से कुछ आटा चुरा कर ले आती थी। वह उसी कर्मफल की सजा भुगत रही है। हे प्रिय, ब्राह्मण के घर का नमक भी अगर कोई खा लेता है तो उस व्यक्ति को 7 जन्म तक नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। प्रिय, अगर ब्राह्मण का अन्न स्नेह से भी खाया जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ रोरव नरक में दुख भोगती है। यहाँ फिर तुम्हारी माँ ने तो ब्राह्मण का अन्न चोरी किया है। जो मनुष्य ब्राह्मण का अन्न चोरी करता है वह तब तक नरक में पीड़ा भोगता है जब तक सूरज चांद सितारे आसमान में चमकते हैं। तुम्हारी माँ ने ब्राह्मण का अन्न चोरी किया, इसीलिए विक्रमी बनकर उनका भक्षण कर रहे हैं। तब श्यामला राजा धर्मराज के चरण पकड़ लेती है और कहती है कि हे स्वामी, मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहनों का पालन पोषण करने के लिए यह पाप अनजाने में किया है। स्वामी, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरी माँ को मुक्ति मिल सके। तब राजा धर्मराज ने कहा कि हे प्रिय, तुमने अपने पूर्व जन्म के 7वें जन्म में बुद्धाष्टमी व्रत अपनी सखियों के साथ किया था। यदि तुम अपने उस व्रत का फल
संकल्प करके अपनी माँ को दे दोगी तो तुम्हारी माँ की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। इतना सुनते ही श्यामला ने अपने बुद्धाष्टमी व्रत का फल अपनी माँ को संकल्प भर कर छोड़ दिया। श्यामला के ऐसा करते ही उसी क्षण उसकी माँ एक दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर स्वर्ग में चली गई और बुध ग्रह में जाकर तारा बनकर चमकने लगी। यह व्रत प्रत्येक संतान को अपने माता के लिए जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घायु सुख वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बुद्धाष्टमी व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।